नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइट हाउस प्रोजेक्ट से। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट में आज जो भी एक्टिविटीज चल रही है, आइए उन सारी चीज़ों से आप सभी को अपडेट करते हैं। गाइस, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें किस तरीके से काम होगा, सारी चीज़ों को आप सभी को दिखाते हैं। के करके छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को, सब चीज़ों को आप सभी को दिखाते हैं। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को, जिससे आप सभी को नए टेक्नोलॉजी पे जो भी काम होता है इंडिया में, उन सारी चीज़ों का अपडेट आप सभी को मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो कि लखनऊ में चल रहा है, वहाँ पे देखें SIP वाल का आउटर जो पोर्शन है वो देखें ग्रे इसका कलर है, और ग्रे कलर का ये पूरा आउटर फिनिशिंग है इसका। और इसके आउटर वाल यहाँ पे देखिए लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से पैनल इसके बाहर ही लगाए जा रहे हैं सारे, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये काफ़ी जो है अच्छा प्रोजेक्ट है लखनऊ में जो कि स्टार्ट हुआ अपने यहाँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहली बार इस तरीके का घर अपने यहाँ बन रहा है इंडिया में। तो किस तरीके से बन रहा है, इन सारी चीज़ों का अपडेट हम आप सभी को देते हैं इस चैनल पर, दिखाते हैं डेली। नीचे का ये पूरा देख रहे हैं जो कि फिनिशिंग एरिया है, पार्किंग के लिए पूरा रीजन है पार्किंग एरिया, तो ये पार्किंग के लिए दिया जाएगा। बाकी ऊपर से फ्लैट्स स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लस 13 फ्लोर तक का यहाँ पे ये टावर है। इसमें चार टावर हैं, चार भी पांच टावर हैं। पांच टावर ऐसे हैं गाइस, A1 A2 B C और D ये टावर हैं इनमें, जिसमें कुल मिला के 1040 घर बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर जो प्लम्बिंग कवर किया जाता है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लम्बिंग कवर किया जा रहा है। सारे पाइप्स को यहाँ पे पैनल में कट करके होल और यहाँ पर लगा दिया जाता है, और इस तरीके से इसको जॉइंट करके, ये किचन का रीज़न है गाइस, यहाँ पे ये पाइप दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर आउटलेट्स यहाँ पर दिया गया है नीचे में, और इधर ये देखिए बेसिन लगाने के लिए यहाँ पे ये दिया गया पॉइंट। तो ये चीज़ें देख सकते हैं गाइस, जो कि इस SIP कोवाल में जो इंस्टॉल किया जा रहा है, किस तरीके से प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क, इन सारी चीज़ों को हम आप सभी को दिखाते हैं गाइस। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से पाइप को ऊपर लाया गया है यहाँ तक, और फिर यहाँ पर इसका आउटलेट दिया गया है आपके एक्वा गार्ड और हीटर के लिए। और यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक जो पॉइंट्स हैं वो इनको यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से वाल में अंदर डाल करके ही, और फिर इनको कास्ट होने के बाद में ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, MCB बोर्ड यहाँ पे दे दिया गया है, और इसके नीचे यहाँ पे और बोर्ड भी, यहाँ पे देखिए पैनल को सेट किया जा रहा है, ये डाल करके जहाँ पर पैनल आउट हो रहा है वहाँ पर सारी चीज़ों को सपोर्ट दिया जा रहा है, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे यहाँ पे पैनल का देखिए लेजर चेक किया जा रहा है स्पीड लेवल से, कि पैनल अपनी पोजीशन में वर्टिकल है तो नहीं, अगर नहीं तो उसको सही किया जा रहा है। ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए सपोर्ट को टाइट किया जा रहा है, जो क्लैंप लगाए गए हैं बोल्ट के उनको टाइट करके, क्लैंपिंग करके पूरे पैनल को यहाँ पर टाइट किया जा रहा है स्पीड लेवल से उनके लेवल में कर करके। यहाँ पे देखिए गाइस, इस तरीके से बोल्ट को पूरा टाइट कर दिया जा रहा है, जिससे पैनल अपने पोजीशन में फिक्स हो जाए बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आउटर का पैनल यहाँ पे लगाया जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पैनल एक्स्ट्रा है उसको देखिए कैसे यहाँ पे कट किया जा रहा है, देखिए बोल्ट पैकिंग करके बैटरी लगा करके यहाँ पे जो है सपोर्ट दिया जा रहा है SIP वाल को।
बट यहाँ पे क्लैंप कर दिया गया है, दोनों साइड से इसको क्लैंपिंग करके टाइट कर दिया जाता है जिससे कि बोल्ट बिल्कुल टाइट हो जाता है, पैनल अपनी जगह में फिक्स हो जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं आउटर सपोर्टिंग यहाँ पे दी जा रही है पैनल को कुछ इस तरीके से। देखिए क्लैंप इस पर लगा दिया जा रहा है और क्लैंप से बोल्ट को टाइट कर दिया जाएगा तो ये पोजिशन में चेंज हो जाएगा और इसको स्पीड लेवल से यहाँ पे इसके लेवल को चेक कर लिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस प्लम्बिंग वर्क यहाँ पे जो किया गया है, ये देखिए पैनल में किस तरीके से यहाँ पे होल करके और प्लम्बिंग का जो पाइप है यहाँ पे इसको ये देखिए बाहर निकाल दिया गया है और बाकी इंटीरियर वर्क सारा वॉल के अंदर यहाँ पे किया गया है। सप्लाई का जितना भी वर्क है प्लम्बिंग का ये सब वॉल के अंदर किया गया है। और ये देखिए दूसरे साइड में ये तीनों पॉइंट्स दे दिए गए हैं ये किचन में और इसकी कास्टिंग होने के बाद में ये पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे किचन का पोर्शन है और नीचे यहाँ पे देखिए संकन प्रोवाइड किया गया है किचन का, आउटलेट यहाँ से दिया गया है पानी का और यहाँ पे देखिए ये एक विंडो दिया गया है। साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी देख सकते हैं इधर भी और दोनों साइड दे दिए गए हैं बल्ब के लिए और पॉइंट भी। और यहाँ पे किचन में देखिए ये पावर बोर्ड भी प्रोवाइड कर दिया गया है और ये बोर्ड में देखिए किस तरीके से इंस्टॉल है, ये कास्टिंग के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रू से टाइट कर दिया गया है और कास्टिंग करने के बाद भी पूरी तरीके से स्क्रू को हटा दिया जाएगा और ये अपनी जगह पर एकदम फिक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हाउस कीपिंग वर्क भी यहाँ पे साथ में ही चल रहा है, जो भी मटेरियल है एक्स्ट्रा स्क्रैप है उन सभी को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। इसी तरीके से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के डेली अपडेट पाने के लिए, डेली वीडियोस पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आप सभी को स्नेक टेक्नोलॉजी के जो भी वर्क हो रहा है उसका डेली अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। हो गया।